आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स से खुफिया तला पर कार्रवाई करके लियारी के इलाके आगरा ताज से मुलजिम मोहम्मद रमजान उर्फ पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम से भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। ये असलहा कराची में बदमनी के लिए छुपाया गया था। आपको एक बार फिर इस खबर के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। रेंजर्स ने ये खुफिया तला पर कार्रवाई की है लियारी के इलाके आगरा ताज में और यहाँ से मुलजिम मोहम्मद रमजान उर्फ पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। रेंजर्स तर्जुमान का ऐसा बताना है की मुलजिम से भारी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात हम जान लेते हैं न्यूज़ वन के नुमाइंदे एसएम इरफान से। जी एसएम इरफान, बताइएगा तर्जुमान रेंजर्स का मजीद क्या कहना है। देखिए, रेंजर्स ने खुफिया इतला पर लियारी आगरा ताज में कार्रवाई की है और यहां से रमजान उर्फ पटेल को गिरफ्तार किया गया है। उसका ताल्लुक राबता कच्ची कमेटी ग्रुप से बताया जाता है। मुलजिम के कब्जे से भारी तादाद में असला बरामद किया गया है और ये असला जो है उसने घर में छुपाया हुआ था और रेंजर्स का इस हवाले से कहना है कि ये असला जो है कराची में बदमनी के लिए छुपाया गया था। इसके अलावा जो है रेंजर्स ने और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ की हैं। जो इसके अलावा जो क्रैकडाउन किया गया है जिसमें अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। तकरीबन 61 से जायद जो है वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा रेंजर्स ने कराची के दाखिले और खारजी रास्तों पर टूल प्लाजा पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू किया है जिसमें रेंजर्स हैं, पाकिस्तान आर्मी है और पुलिस है। यहाँ पर जो है गाड़ियों को जो दाखिले रास्ते से गाड़ियाँ आती हैं, मशकूक अफराद आते हैं, उनको बायोमेट्रिक सिस्टम से जो है वो चेक भी किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एसएम इरफान, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स इनकी मुसद्दिका इतला पर कामयाब कार्रवाई अमल में। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज से मुलजिम मोहम्मद रमजान उर्फ पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम के कब्जे से भारी तादाद में असलहा गैर मुल्की करेंसी भी बरामद कर ली गई है।